WHO के मुताबिक पिछले चार हफ्तों में दुनिया भर में कोविड मामलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इससे प्रभावित मरीजों की संख्या भी 52% हो गई है। इस दौरान 8,50,000 नए मामले सामने आ गए हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर की है। इन आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि कोरोना महामारी ने एक बार फिर से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से 2 साल पहले के खौफनाक मंजर की यादें ताज़ा होने लगी हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में ही कोरोना के 752 नए मामले सामने आ गए। WHO के मुताबिक पिछले 4 हफ्तों के अंदर दुनिया भर में कोविड मामलों की संख्या में 52% की बढ़ोतरी हो गई है। इस दौरान 8,50,000 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 28 दिनों की तुलना में नई मौतों की संख्या में 8% की कमी आई है। साथ ही 3,000 से ज्यादा नई मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं विश्व स्तर पर 1,600 से ज्यादा मरीज ICU में भर्ती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने पर बेहद जोर दिया जा रहा है। सबसे बुरा हाल सिंगापुर का है, जहां लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सिंगापुर में मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। लोगों को भीड़भाड़ वाली जगह पर न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही इंडोनेशिया और मलेशिया में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड के 752 नए मामले सामने आ गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 3,420 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में केरल में 2, राजस्थान और कर्नाटक में 1-1 मरीज की मौत हो गई। देश में सबसे बुरा हाल केरल का है। यहाँ लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अभी तक कोरोना के मरीजों में सबसे ज्यादा जो लक्षण नजर आ रहे हैं वो हैं बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और हल्के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के मामले। ऐसे में क्या हमें मास्क पहनना चाहिए, ये सवाल भी किया जा रहा है। इसके जवाब में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शादी हॉल, ट्रेनों और बस जैसी बंद भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना एक अच्छा विचार है। ये कोविड सहित कई हवा में फैलने वाली बीमारियों से बचा कर रखता है, लेकिन अभी मास्क को अनिवार्य करने की जरूरत नहीं है।